स्टूडेंट, आज हम रिएक्शंस ऑफ अल्काइन डिस्कस करेंगे. और अल्काइन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, सो ड्यू टू दिस अनसैचुरेटेड नेचर इट अंडरगोज एडिशन रिएक्शन एजीली एंड बाय एडिशन रिएक्शन इट कन्वर्टेड इनटू द सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय कंज्यूमिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएजेंट, दैट इज हाइड्रोजन और क्लोरीन वगैरह. ठीक है, सो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्काइन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन. मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, दैट इज हाइड्रोजिनेशन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन. ठीक है, हाइड्रोजन अल्काइन आर हाइड्रोजिनेशन एट प्रोड्यूस्ड अल्केन. ठीक है, ऑन अल्काइन्स, दैट इज अल्काइन अनहाइड्रोजिनेशन एट गिव अल्केन्स. ठीक है, दिस रिएक्शन कंप्लीट इन टू स्टेप एंड दिस रिएक्शन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, दैट इज निकल कैटलिस्ट. ऑन डोंट अबाउट टेम्परेचर, इस रिएक्शन के लिए जो दरकार है वो 250 से लेकर 300 है. ठीक है, और टू स्टेप में अल्काइन जो है दीज आर कन्वर्टेड इनटू द अल्केन्स. फर्स्ट स्टेप इस तरह है, दैट इज फर्स्ट स्टेप, दैट इज सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, दिस इज कॉल्ड ईथाइन. फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट इन दिस स्टेप, दिस बॉन्ड इज ब्रेक्ड, टू हाइड्रोजन एटम आर एडेड टू द ईथाइन, सो इट गिव ईथीन, that is ethene. And second step, another molecule of hydrogen are added to this ethene and it give ethane. So on complete hydrogenation, this ethane is converted into the ethane. Second reactions है addition of halogen. Addition of halogen, इस process को हम हेलोजिनेशन कहते हैं. मीन द प्रोसेस इन ऑफ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन. सो अल्काइन्स कंज्यूम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजन, मीन टू मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन आर एडेड टू अल्काइन्स एंड गिव डाईहेलाइट एंड दिस डाईहेलाइट इज कन्वर्टेड इनटू टेट्राहेलाइट. मीन इस तरह ये रिएक्शन होता है कि फर्स्ट स्टेप में एक हेलोजन मॉलिक्यूल जो है इज आर एडेड एट गिव डाईहेलाइट, और सेकेंड स्टेप पे अनदर हेलोजन मॉलिक्यूल आर रिएक्टेड आर एडेड टू द दिस डाईहेलाइट एंड फॉर्म अ टेट्राहेलाइट. ठीक है, दिस रिएक्शन आल्सो कंप्लीट एंड इन टू स्टेप. फर्स्ट स्टेप ये है, क्लोरीन मॉलिक्यूल एडेड टू द ईथाइन, सो द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ ईथाइन इज कन्वर्टेड इन टू द डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल एंड फॉर्म 1,2-dichloroethene. ठीक है, उसका रिएक्शन इस तरह है, दैट इज ईथाइन, दैट इज ईथाइन रिएक्ट विद क्लोरीन मॉलिक्यूल, दिस बॉन्ड इज ब्रेक्ड एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल आर एडेड टू दिस कार्बन, वी गेट एट प्रोड्यूस, दैट इज 1,2-dichloroethene कार्बन, 1,2 दैट इज 1,2-di-4-2 एंड क्लोरीन एटम डाईक्लोरोन. सेकेंड स्टेप, एनदर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन एडेड टू दिस 1,2-dichloroethene एंड दिस डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड एंड फॉर्म 1,1,2-tetrachloroethane. ठीक है, इसका रिएक्शन इस तरह है, दैट इज इक्वेशन इस तरह है, दैट इज 1,2-dichloroethene, दैट इज 1,2-dichloroethene react with another molecule of chlorine at give this double bond is converted into single bond on addition of chlorine molecule,
and form 1,1,2,2 tetrachloroethane. That is ethane. So ethane consume 2 molecule of chlorine and convert it into 1,1,2,2 tetrachloroethane, that is tetrahalides. Next reaction hai oxidation with KMnO4. Ethane R oxidation with potassium permanganate give chloroxyl and add further oxidize into oxalic acid. Mean the end product of oxidation of alkynes with KMnO4 is oxalic acid. Reaction equation is tarah hai, that is carbon, that is ethane, that is ethane react with treated with potassium permanganate, that is potassium permanganate, which is oxidizing agent, it give add give 1,1,2,2 ethane tetraol, and this 1,1,2,2 ethane tetraol on dehydration mean 2 molecule of water are eliminated and it give glycosyl, that is glycoxyl. And these glycosyl are further oxidized by potassium permanganate and converted into oxalic acid. That is oxalic acid. That is oxalic acid. So, on oxidation with potassium permanganate, ethane, agio oxalic acid.